लोग अपनी जिम्मेदारियों को, अपने दायित्वों को आप सभी की प्रेरणा से निरंतर निभाने की शपथ ले रहे हैं। आप देश के करोड़ों लोगों को आतंक से, भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, बीमारी से, गंदगी से, वंशवाद से, यानी हर बुराई के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ने की और चौकीदारी करने की प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, मैं सच्चे दिल से आप सबको सैल्यूट करता हूं। गांव हो, शहर हो, कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपने काम में जुटे रहते हैं, डटे रहते हैं। घर में इतना ही बड़ा कार्यक्रम क्यों ना हो, बच्चों का जन्मदिन हो, माँ बाप के लिए कोई आवश्यकता हो, तब भी आप हमेशा अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आप सभी का दायित्व ऐसा है कि ड्यूटी ही त्योहार बन जाती है। आप लोग हैं तभी कोई समाज स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। संभव है कि आप जिस सोसाइटी में, जिस फैक्ट्री में ड्यूटी देते हैं, वहां रहने वाले, वहां काम करने वाले भी आपका आपका नाम भी नहीं जानते हो या शक्ल से पहचानते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप दूसरों की रक्षा सुरक्षा के दायित्व को निभाते चलते हैं। आप लोगों की कड़ी मेहनत को सलाम। Please note, delivery executives will be assigned only after you accept the order. हम आपके साथ बातचीत का दौर शुरू करने जा रहे हैं। पहले व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वह है उत्तर प्रदेश से रेणु पिक्कर जी, कृपया अपनी बात कहें। नमस्कार जी। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, बताइए। सर मैं रेणु पिक्कर बोल रही हूँ, जिला फरुखाबाद यूपी से। मैं सुरक्षा कर्मी हूँ, एक 4 साल से सुरक्षा कर्मी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। रेणु जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि एक महिला जब सबकी सुरक्षा करती है तो हिंदुस्तान का गर्व बढ़ जाता है। सर मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मैंने भी अपने आप को इस लहजे पे रखा हुआ है। जी बताइए। सर मेरा एक सवाल था आपसे। जी जी। सर हम गांव के गरीब परिवार से आते हैं, इज्जत ही हमारी पूंजी है। वर्षों के कई मेहनत से चौकीदार एक इज्जत और भरोसा कमाता है। राजनीति के चलते सर हम लोगों को चोर कहा गया। हम लोग जहां काम करते हैं सर, वहां पर हम लोगों को शक की नजर से देखा जा रहा है। देश के जवान भी सर एक चौकीदार है, क्या वो भी चोर है? सर मन बहुत दुखी हो रहा है सोच के, इसीलिए आपसे ये सवाल की हूँ। आपकी भावना मैं समझ सकता हूँ और जो भावना आपने प्रकट की है वो हिंदुस्तान की सुरक्षा में लगे सब जवानों के मन में भी पड़ी है, चौकीदार के रूप में काम करने वालों के मन में भी पड़ी है। लेकिन सबसे पहले देश में चौकीदारी का काम करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के जवान हो, सुरक्षा बल के जवान हो, और आप जैसे दिन रात मेहनत करने वाले लोग हो, मैं सबसे पहले तो आप सबकी माफी मांगता हूँ। क्योंकि माफी मैं इसलिए मांगता हूँ कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए
पिछले कुछ महीनों से बिना सोचे समझे अनाप शनाप गाली गलौज करना शुरू किया और उसमें उन्होंने चौकीदार को चोर कह दिया। एक प्रकार से हर चौकीदार के जीवन के सामने, उनकी तपस्या के सामने उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। वो मेरे नाम से गाली देते, मेरा नाम कह करके कुछ भी बोलते तो शायद आपका ये नुकसान नहीं होता, लेकिन उनकी वो हिम्मत नहीं थी और इसलिए उन्होंने चौकीदार को ही चोर कहने का रास्ता चुना। इस देश का दुर्भाग्य है कैसे लोगों की भाषा आप सबको पीड़ित कर रही है। और मैं आपको बताऊं, ये बात यहाँ अटकने वाली नहीं है। हताशा निराशा की गर्त में डूबे हुए ऐसे कुछ लोग आगे भी यही करने वाले हैं। वो नई नई चीजें खोजेंगे, कहीं पर किसी चौकीदार के ऊपर आरोप लग गया होगा तो उसी को उठा लेंगे, देखिए वो चौकीदार ने चोरी की। ये करने वाले हैं, चौकीदार को बदनाम करने के लिए शायद अब नए नए तरीके ढूंढने वाले हैं। और इसलिए हमने पूरे धैर्य के साथ जो भी चौकीदारी करने की हमारी जिम्मेवारी, उसको हमने निभाना है, चौकन्ने होकर के निभाना है। पर साथियों, दूसरी तरफ देखिए, ये भी देखने का माहौल है ना कि चारों तरफ माहौल बन गया है और उसको तो आपको भी गर्व होगा। आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है। आज चौकीदार शब्द देशभक्ति का पर्याय बन गया है, ईमानदारी से काम करने का पर्याय बन चुका है। और मैं आपको बताऊं, मेरा ये कोई पहली बार अपमान नहीं हुआ है, ये नामदारों की फितरती है। नामदारों की आदत होती है कामदारों के प्रति नफरत फैलाना, असहिष्णुता ये उनके स्वभाव में है और ये इतना जल्दी जाने वाला भी नहीं है। कामदार कुछ भी कर ले, अगर कोई कामदार प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी ये लोग उसे ऐसे ही अपमानित करते रहेंगे। साथियों, मेरा मानना है कि कोई नाम से बड़ा नहीं होता बल्कि अपने काम से होता है। देश के प्रति अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से, अपने योगदान से होता है। और इसलिए मैं तो यही कहूंगा मेरे सभी चौकीदार साथियों को, देशवासियों को भी, हमें बहुत आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाना है, उन्हें डॉक्टर भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है, सेना का जवान भी बनाना है, देश का प्रधानमंत्री भी बनाना है। लेकिन हम सबको हमारे बच्चों के भीतर भी उस चौकीदार के संस्कार बनाए रखना है, उसके भीतर का चौकीदार जिंदा रखना है। वो जहां भी हो, जिस काम को करता हो, जैसे भी करता हो, लेकिन देश के चौकीदार का काम वो कभी छोड़ेगा नहीं। और हिंदुस्तानी के भीतर चौकीदार जिंदा रहना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आपकी भावनाओं को जान करके, धन्यवाद। ये सर, दूसरी व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वह है ओडिशा से संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी, कृपया अपनी बात कहें। जी जय हिंद सर। जय जगन्नाथ, जय हिंद संतोष जी। जय जगन्नाथ, जय हिंद साहब। ये बताइए। मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ। मैं अनुगुल जिले के उड़ीसा प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी 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 साहब, मैं 13 साल से सुरक्षा कर्मी के पद पर कटक में कार्यरत हूँ। जी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है जो व्यक्त करना चाहता हूँ। बताइए साहब, आपने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया साहब, हमारी फौज ने पराक्रम कर दिया। इसके बाद मेरे मन में कोई प्रश्न बचा ही नहीं था। आपने हम सब देशवासियों की छाती चौड़ी कर दी, आपने चौकीदारों की इज्जत बढ़ा दी साहब। साहब, मैं हर रोज कई लोगों से मिलता हूँ, आपके पास बातें नहीं पहुँचती होगी साहब, लेकिन नीचे गजब का माहौल है साहब। आप किसी की परवाह मत कर साहब, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है साहब।
यही आपसे कहना चाहता हूँ साहब। आपकी आपकी बातें सुनकर के मुझे बहुत संतोष हुआ और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने जो रोजमर्रा जो बातें सुनते हैं उसको अपने शब्दों में मुझे पहुँचाने का प्रयास किया। हम सब देशवासियों को हमारी सेना पर गर्व होना चाहिए, हमारी फौज पर गर्व होना चाहिए। तो जान की बाजी लगा करके हमारे लिए कितना बड़ा पराक्रम किया, देश के वीर शहीदों का कई प्रकार से उन्होंने चुन चुन करके हिसाब चुकता किया और आपने पूरे देश की भावनाओं को मेरे साथ शेयर किया है। आज हर भारतीय को गर्व है, उसका सीना आत्मविश्वास से चौड़ा है। दूसरी ओर देश ने विपक्षी पार्टियों का जो रवैया देखा है उससे हर कोई हैरान है, दुखी है, परेशान है। दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने वाले लोग इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी सेना ने किस प्रकार पाकिस्तान की सीने पर जाकर के बम बरसा दिए। जी साहब, और देखिए परिस्थिति देखिए, आप भी अनुभव करते होंगे। जी साहब, बम तो गिरे पाकिस्तान में, चोट वही लगी पाकिस्तान में, लेकिन चीख रहे हिंदुस्तान में, दर्द हो रहा है हिंदुस्तान में। ये देश को समझना होगा, ऐसे लोगों को पहचानना होगा। और ये भी आपने देखा होगा पाकिस्तान के टीवी पर, वहाँ के रेडियो पर, वहाँ के अखबारों में, वहाँ की पार्लियामेंट में, हमारे देश में जो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनकी आवाज वहाँ सुनाई दे रही है, उनकी बातें छप रही है, उनकी बातें बताई जाती है, उनके शब्दों को कोट किया जाता है। ये देश के लिए अजूबा है कि वार पाकिस्तान को हो और बीमार कोई हिंदुस्तान में हो, ये बात ये देश के गले नहीं उतरती है। लेकिन देश, मैं नहीं मानता इनको भी भूलेगा, न देश सेना के पराक्रम को भूलेगा और न ही देश देश की सेना को ऐसे हलकट सवाल पूछने वालों को भी भूलेगा नहीं, बचेगा। लेकिन संतोष जी, मैं आपका आभारी हूँ और उड़ीसा वासियों को मेरा प्रणाम। जय जगन्नाथ। अब आखिरी व्यक्ति जो अपनी बात कहेंगे वह है आंध्र प्रदेश से सन्मुखा जी। सन्मुखा जी, कृपया अपनी बात करें। भारत माता की जय। मैं सन्मुखा। भारत माता की जय। सन्मुखा गारू, बताइए। मैं आंध्र प्रदेश से जिला श्रीकाकुलम से बोल रहा हूँ सर। मैं पिछले 20 वर्षों से सुरक्षा कर्मी का काम कर रहा हूँ जी, और मैं एक चौकीदार में अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ सर। आप भी देश के लिए ऐसी काम कर रहे हैं। मुझे एक सवाल, मेरा यह और बात यह है कि मुझे एक प्रश्न करने का आपसे मौका मिला है सर। जी जी। प्रश्न यह है सर, मैं भी चौकीदार, आप भी चौकीदार, हम भी कड़ी मेहनत करते हैं और आप भी कड़ी मेहनत करते हैं सर। जी जी। हम दोनों दिन रात काम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ उसको लेकर आपको कैसा लगता है सर? देखिए, सबसे पहले तो आपकी ये बात सुन करके मुझे इतना आनंद हुआ जब आपने कहा कि आप भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार है ना, मैं और आप बराबर हैं। जो आप है वही मैं हूँ, मैं हूँ वही आप है। देश के प्रधानमंत्री और देश के सामान्य नागरिक के बीच जब दूरी मिट जाती है उससे स्वर्णिम कोई अवसर नहीं होता है। आज मेरे लिए आपके शब्द वो एक स्वर्णिम सौगात है और इसलिए मैं इसको कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। देखिए, काम हमें करना है, जी जान से करना है, और मैं तो मानता हूँ उस देश के लिए जो भी जीते हैं, देश के समाज की भलाई के लिए जो भी काम करते हैं, दूसरों के सपनों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, दूसरों के सपनों को सजाने का काम करते हैं, वे सारे चौकीदार हैं। एक शिक्षक बच्चे के भविष्य को संवारता है, वो सबसे बड़ा चौकीदार है। एक डॉक्टर किसी बीमार की जिंदगी बचा लेता है, वो भी सबसे बड़ा चौकीदार है। एक सेना का जवान पूरी भारत माता की रक्षा कर देता है, वो भी बड़ा चौकीदार है। तो जैसे आप अपने जिम्मेवारी को चौकीदारी की चौकन्नी परिस्थिति में निभाते रहते हैं, मैं भी अपने आप को एक चौकीदार मानता हूँ। अब हम लोगों का काम भी एक जैसा है,
आप भी समाज की चौकीदारी कर रहे हैं और पीएम को भी अपनी चौकीदारी का जिम्मा सौंपा है और हमें मिलकर ही बाधाओं को चीरते हुए देश को विकास के तट पर आगे बढ़ाना है। आज जब मुझे देश भर के लाखों चौकीदारों के संवाद करने का अवसर मिला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। गरीबों का जीवन बेहतर हो, परिवारों में खुशहाली आए, इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं, लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की स्थिति को याद कीजिए, जब एक गरीब परिवार बीमारी के समय इलाज के खर्च के बारे में सोचकर ही भयभीत हो जाता था, वो आज पूरे स्वाभिमान के साथ अस्पताल जाकर अपना इलाज करवा रहा है। आयुष्मान भारत ने, इस योजना ने देश के 50 करोड़ लोगों को बीमारी से लड़ने की एक नई हिम्मत दी है, बीमारी से मुक्ति का सपना वो देखने लगा है और यही तो एक चौकीदार का काम है। अब गरीबों को वृद्धावस्था में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसके लिए हाल ही में हमने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम भी शुरू की है। इसे करोड़ों गरीबों को सम्मान का जीवन जीने का अवसर मिला है। देश के गरीब किसानों के लिए हमने आर्थिक मदद की ऐतिहासिक पहल की है। इसे किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और दूसरी छोटी छोटी जरूरतों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना गरीब परिवारों में नया विश्वास और भरोसा कायम किया। पहले की सरकारें मानती थी कि आखिर गरीबों को बैंक से क्या लेना देना, लेकिन जनधन योजना की सफलता ने इस माहौल हौसले को पैदा किया कि अब गरीब भी अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए तत्पर है और वे सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आज मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि आप आश्वस्त रहिए, 5 साल में हमने इतने कदम उठाए हैं कि आज विकास का सूरज उग चुका है और गरीबी के अस्त होने का तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, चौकीदार चैन से नहीं बैठेगा। आने वाले दिनों में इसके लिए हम मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे, जीतोर परिश्रम करेंगे। मेरा काम भी आप लोगों की तरह 24 घंटे चौकन्ना रहने का है। अब जैसे भ्रष्टाचारी और बिचौलिए देश की व्यवस्था पर हमला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जरा भी नजर हटी या ढील दी तो मौके का लाभ उठाते हैं। जब देश का चौकीदार चौकन्ना रहेगा तो ऐसे लोगों पर लगाम लग जाती है और इसलिए 2014 से पहले और 2014 के बाद अंतर चौकीदारी का ही आया है, वरना दफ्तर तो वही है, व्यवस्था भी वही है, दफ्तर वही, अफसर वही, साजो सामान भी वही। सब स्थिति ये थी कि बिचौलिए गड़बड़ करने वाले घोटालेबाज कहां कहां पहुंच जाते थे। तब अगर चौकीदार को सम्मान दिया होता, चौकीदार को मान दिया होता तो लाखों करोड़ों का नुकसान देश का नहीं हुआ होता, देश का पैसा देश के नागरिकों के काम आया होता। मेरे प्यारे सुरक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए चौकीदार साथियों, एक चौकीदार को आज होली के पावन पर्व बात करने का मौका मिला, लेकिन मैंने देखा कि आपकी बातों में मेरे प्रति प्रेम भी है, अपने कार्य के प्रति निष्ठा भी है, लेकिन एक गहरा दर्द भी है आपके दिल में कि बार बार चौकीदार को चोट कर पहुंचा करके, चौकीदार को चोर कह करके जिस प्रकार से आपको अपमानित किया गया है उसका दर्द आपके दिल में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में एक मंत्र बना लिया है। तो पीएम मोदी देशवासियों ने होड़ी ने ऑडियो ब्रिज माध्यम थी आ संवाद तमनो सामे आव्यो। देश ना तमाम चौकीदारों ने नमन कर्या। भाजप नो मे भी चौकीदार अभियान आ रीते शुरू करवामां आव्यो। ऑडियो ब्रिज ना माध्यम थी पीएम मोदी नो 25 लाख चौकीदारों साथे नो आ सीधो संवाद तमे सांभळ्यो। होळी नो त्यौहार अनेक रंग लईने आवे छे। होळी ना दिवसे ज पीएम मोदी द्वारा आवी रीते चौकीदारों साथे संवाद करीने पोतानी भाग्यशाळी गणाव्या। तो भाजपनो मैं भी चौकीदार अभियान कई आ रीते शुरू करवामां आव्यो।
દરેક જગ્યાએ ચોકીદારની ધૂમ છે તેવું પીએમ મોદી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું. 25 લાખ ચોકીદારો સાથે વડાપ્રધાનનો આ સીધો સંવાદ હતો.